तो ये मैं और रियान बिरयानी बना रहे हैं। रियान प्याज काट रहा था तो उसके आंख बिल्कुल वो अच्छा हो गए। चलो अभी प्याज डालते हैं, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। जल्दी जल्दी डालो, अभी हमने इसमें प्याज डाल लिए, तो अभी प्याज में अभी हम ऑयल डालेंगे। बस है, तो अभी आई थिंक इनको पकने देते हैं। तो अभी अयान साफ कर रहा है इनको, क्या कहते हैं, टोमेटो। अभी ये इनको कट करेगा। बस पूरा डालो इसमें, वैसे भी करेंगे। तो आज जो है ना अरफात का रोज़ा है, तो हमने भी रखा हुआ है। और आप में से जिन जिन ने रोज़ा रखा है कमेंट करें ज़रूर। और बिरयानी इसलिए बना रहे हैं कि फिर अच्छा अच्छा खुराक करें। और इंशाल्लाह पकौड़े भी बनाएंगे और जाएंगे मेला भी जाएंगे। लास्ट है ना, कल ईद है, आए एडवांस ईद मुबारक। तो हम 4 पर्सन से कर लें, तो हम 3 कप्स राइस लेंगे। नहीं, ये 1 तो पूरा सही से पूरा करें। हमने स्टार्ट किया ये सब कुछ 2:30 पे है, और अभी ये टाइम हुआ है। तो देखते हैं कि कितने टाइम में बिरयानी पकती है। हमारी मम्मा तो कहती है कि इतने ज़्यादा टाइम में पकती है, इतनी चीज़ें होती हैं। तो चलो देखते हैं। अब ये जो हमारे प्याज है ये ब्राउन टाइप कलर हो चुके हैं, मतलब पक गए। और जो भी चीज़ पकानी है तो हल्के आँच पर पकाया करें। हमारी मम्मा ने बताया कि फिर बहुत ज़्यादा प्यारी आती है सब कुछ, मतलब खाने में टेस्टी होती है। तो चिकन पहले से ही तैयार पड़ा हुआ था, तो अभी हम डालेंगे इसमें एक एक करके आराम आराम से। तो ये हाफ चिकन है, कल हमने हाफ चिकन पकाया था और ये बाकी रह गया था। तो हमें मतलब बिरयानी हम कम इसलिए बनाते हैं क्योंकि फिर जब दोबारा उसे खाते हैं, आज खा लिया लेकिन अगर कल खाएंगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा, फिर उस खाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, तो इसलिए हम कम खाना पकाते हैं। चलो अभी टमाटर डालते हैं। टोमेटोज के साथ ही बिरयानी मसाला डालते हैं। तो अभी इसको मिक्स करते हैं। आप भी सीखे मुझसे बिरयानी कैसे बनाते हैं, मैं तो हर रोज बनाता हूँ, समझ रहे हो। मम्मा इस तरह करती है, सारा देश बदल देती है इसमें। साउंड कम हो गया।
ये शान का बड़ा मसाला है, इसमें इतनी हवा भरी है कि मतलब इसमें तो और मसाला आता ही नहीं। ये सारा इस तरह भूल गए हैं कि इसमें तो और आता ही नहीं। ये देखें है इतना कुछ नहीं और इतना भूल दिया है शॉपर को पकौड़ा का मसाला है। तो चलो देखते हैं, आयान कह रहा है कि पकौड़ा है बना लो, अभी सही डिसीजन लेंगे। मेरा तो मन नहीं है, बिरयानी है तो पकौड़े किस चीज़ की ले रहे। सही बात है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि इसमें जब इतना चिकन है, इतने टमाटर सब कुछ है, तो इसमें राइस कैसे हम डालेंगे, इतने ज़्यादा राइस? सोचने वाली बात नहीं है। मैंने मम्मा को कहा कि चिकन बाहर निकालेंगे, चलो देखते हैं। मैं राइट हूँ या नहीं। तो फर्स्ट इसमें पानी डालेंगे और फिर इन पानी को बॉईल करेंगे, मतलब अलग से राइस पकाने पड़ेंगे इसमें, फिर तो मुश्किल है साहब। हीरा हो जाएंगे वैसे, मस्ती के लिए लाया है, काम तो कर नहीं रहा। छोड़ो मरा, इससे तो हमारी है पुरानी अच्छी सी है, मौत हो चुकी है। टक से ऑफिसर से टेंशन नहीं लेने का, वो चांदन का होता है। तो अभी हम इसमें जाएं, तो अभी हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। और हम कौन सा सॉल्ट यूज़ करते हैं, क्या है नाम है, पिंक सॉल्ट। मम्मा कुछ कह रही है, मुझे समझ नहीं आया क्या है। मम्मा कह रही थी कि कम कर दो सॉल्ट को बहुत ज़्यादा, तो अभी डालते ला 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 ला। तो चलो सॉल्ट डाल दिया, मेरा ख्याल अभी राइस का टाइम है तो राइस डालते। तो अभी पानी को हटाते हैं राइस से। ओ राइस भी नीचे जा रहा है, इसमें से कुछ राइस। तो राइस डालने से पहले हम क्या करेंगे, हैंड वॉश करेंगे। तो मुझे इसका वेट था कि कभी ये आएगा ये टाइम, ये स्पेस तरह डाल दें। तो ये आयान अलग से व्लॉग बना रहे हैं और ये व्लॉग भी अलग मतलब प्यारा होगा, ज़रूर देखना। तो अभी हमारे राइस पक गए, तो अभी इनको डालेंगे छलनी में ताकि इससे सारा वो क्या कहते हैं पानी निकल जाए। तो ये जगह खाली करेंगे पहले। तो चलो अगेन हाथ धोते। मैंने आयान के साथ थोड़ा हेल्प किया ब्रूनो को मेहनत में। चलो ये हमने एक ऐड किया था, ये है उसका सूप, आपको अगर मिले तो बाई करना है यार अभी मेरा ख्याल है बाई ही नहीं मारे बस दूसरे से। ये थोड़ा मतलब टाइम इसके हमारे साथ हो गया है तो अभी इतना अच्छा काम नहीं है, वरना है बहुत अच्छा सूप। तो कढ़ाई का काम हो गया पूरा, माशाल्लाह से बहुत अच्छी दिख रहे हैं, मेहनत है मम्मा की, जब करते हैं तो बस कह देते हैं कि अच्छी पकाई है, लेकिन अभी हमने किया है बहुत मुश्किल से। तो अभी राइस डालते हैं, सब कुछ हो गया अच्छे से तैयार। अभी इसको ये वाइट राइस की तरह है, मुझे वाइट राइस भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बिरयानी तो बिरयानी है ना।
तो चलो अभी इसको दम पे रखते हैं और फिर लास्ट में आपको बताएंगे कि कैसी बनी है। इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। तो मम्मा का भी रोज़ा है, हमारा भी रोज़ा है, तो रोज़े में तो मम्मा के लिए हेल्प बनती है ना, आम दिनों में भी, लेकिन रोज़े के दिन तो। तो चलो हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई, तो चलो ट्राई करते हैं, रोज़ा भी तोड़। ये बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है बिरयानी, टेस्ट तो अच्छा है लेकिन मम्मा की तरह नहीं है, मम्मा जो बनाती है ना उसका अलग ही टेस्ट होता है। तो चलो आज का व्लॉग यही था, अभी व्लॉग को एंड करते हैं। व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट ट्रबल योर मदर।